हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉर्टर का आज का सीजन 5 एपिसोड 2, आइए देखते हैं। Wow.
खवातीन, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। आज शब बताख में दावत है, सब मशरूब की सुराहियाँ आप कुएं से निकाल लें, काफी ठंडी हो गई होंगी। बिल्कुल मुझे खाना खानो खानो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें वालिदा, इंशाल्लाह खवातीन के साथ मिलकर सब कुछ तैयार करके पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हम आपके लिए कुएं से ठंडा पानी लाए हैं दादी। ओए दादी की आंखों का नूर। अरे बंसी ये लीजिए, खुश रहो। आप पियेंगी वालिदा? नहीं शुक्रिया बेटा, बाकी खवातीन को बुला। वालिदा अच्छा लड़का भी हो गया। लड़का भी हो गया। तुम भी अपनी वालिदा की तरह खूबसूरत और समझदार। हमने सफर के दौरान कई बाजार देखे लेकिन इतना हुजूम कहीं नहीं देखा।
खुशहाली नजर आती है इस बाजार में। बहुत रौनक है माशाल्लाह। क्या हमेशा ही ऐसा होता है? मौसम सरमा और गर्मा में हर तरफ से ताजिर और कारवां आते हैं। हर तरफ जब बाजारों में बेचैनी फैली हुई है तो फिर यहाँ इस खुशहाली का कोई खास राज है क्या? खुशहाली की वजह अर्तुल सरदार का इंसाफ है। यहाँ कोई किसी का हक नहीं। बहुत शुक्रिया। ओके। सिर्फ तिजारत कर रहे हैं सरदार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इन्हें कर्ज के लिए मजबूर नहीं करते, ये खुद हमसे कर्ज मांगते हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर फंसाते हो उन्हें। ये सब आपकी रियासत का किया धरा है। तबाह हो गई है कि आपको नजर नहीं आ रहा तुम सरदार? बाजार की तमाम दुकानों में खरीदो फरोख्त तकरीबन खत्म हो चुकी है। कर्ज में डूबा हुआ है हर कोई। हम तो मदद कर रहे हैं उनकी। मासूमों पर एहसान कर रहे हो तुम? बस कर दे सरदार, नहीं माने। अब तुम मुझे बता, लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? इसमें दखल ना दिया बर्तुल सरदार, आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये काम आपके अपने औताक से होता है सरदार, मुझे निपटने दे। इसने किया होगा। सब कुछ ठीक जा रहा है जनाब, अर्थुल सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, बहस शुरुआत। इन्हें अपने ही खून में नहलाऊंगा मैं। बताओ मुझे उसका नाम। वो आपका बेटा गुंडू सरदार। गुंडू की वजह से हमारा अर्तुल सरदार
क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि आजू बाजू लोग भी तो है ना। तुम्हारे साथ काम करने वाले सूदखोर हैं, तुम नहीं जानते थे? बाबा, मैंने उन्हें अपना सोना जरूर दिया था, लेकिन इसलिए दिया था क्योंकि मैं तिजारत करके मजीद कमाना चाहता था। वो सूदखोर हैं ये बिल्कुल मालूम नहीं था मुझे। तुमने अपना सोना उन मलूरों को तिजारत करने के लिए दिया था और उन्होंने ज्यादा नफे की खातिर ताजरों को वो सोना सूद पर देना शुरू कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि ये कारोबार हराम होता है? होए बाबा, कैसे नहीं मालूम था कुंदूस? कैसे नहीं मालूम था कुंदूस? तुमने उनके साथ कारोबार कर लिया ये जाने बगैर कि वो हलाल कमा रहे हैं या हराम, कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं नहीं नहीं पढ़ना चाहिए गलत से। बाबा मत कहना मुझे। थोड़ा डिफिकल्टी होगा अर्जुन के लिए। कुंदूस अभी ना समझे, सूदखोरों के जाल में फंस गया होगा यकीन है। ऐसा ही हुआ होगा भाई कुंदूस। भैया, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करने का सोच सकता है कभी। मेरी औलाद दुश्मनों की बहुत सी चालों को देखते हुए परवान चढ़ी है। दुश्मन सिर्फ जंग के मैदान में ही अपनी अय्याराना चालें नहीं आजमाता। साफ जी और उस्मान भी ये बात जानते हैं। फिर वो कैसे भूल गया? कैसे भूल गया मेरा सिपाही, मेरा जंगजू बेटा कुंदूस? कैसे फरामोश? पिछले 10 सालों में मंगोलों के शोरिश के बावजूद पूरी तवज्जो से मैंने सोध के लोगों को खुशहाल बनाया, उनकी हिफाजत की, उन पर नजर रखी। दुश्मन हमारे, लेकिन अपने ही बेटे को दुश्मन का आलाएकार बनता नहीं देख सकता मैं।
गरीबों के माल पर नजर रखने वाला शख्स सजा भुगतेगा अपनी इस कोताही की। भाई वो तीनों सूदखोर ताजिर आइंदा इस बाजार में तिजारत नहीं कर सकेंगे। हम जरूरी इकदाम करेंगे ताकि दोबारा ना हो ऐसा। अब जागे हैं आप आर्थर भाई, आप आज से अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे। जो आप आपको किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं। लेकिन ये काम कर्ज लेने या देने वाले मालिक हो, दुकानदार हो, जमींदार हो, ताजिर हो या किसान, सबके लेन देन की तफसील दर्ज कीजिए। उन सब का कर्ज मैं चुकाऊंगा। लेकिन भाई आप पहले ही अपना बहुत कुछ सब लोगों में बांट चुके हैं। गुंडों के गुनाह का कफारा है। इस दुनिया में हमारा क्या है? हमारी तलवार और हमारा ईमान। या मेरे बिस्तर के नीचे रखा हुआ मेरा उजला कफन। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ दे दूंगा। ये लड़का इतने गुस्से में कहां जा रहा है? क्या बात हो सकती है आखिर? भाई हमने वो जगह ढूंढ ली थी लेकिन इलबिल की खातून ने जहां वो लाशें छोड़ी थी वहां से उन्हें कोई ले गया, तो इसका मतलब वो लोग वहां अकेले नहीं थे। भाई ये मामला कुएं की तरह गहरा और स्याही की तरह तारीख नजर आता है। हमें बहुत मोहतात रहना होगा भाई। और रूम के गांव दोनों जगह तलाश करो बंसी। हमने इस मामले को जल्द हल न किया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी ठीक है भाई, जो आपका हुक्म। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पानी दो दया। नया को जो हार दिया था हमारी जिंदगी उस पर इंसार करती है। अच्छा। हरगिज पर भूलना ये बात, वो हार। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? आखिर ट्रेकोस नाम का आदमी हमसे क्या चाहता है बताइए मुझे। ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा वो करो। उस हार पर नजर रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। अच्छा बच्चे को पता चल गया ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
है खातून, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। कैसा शोरबा है ये, कुछ बताएं इसके बारे में? ये हमारी एक खास तरकीब है हफ्सा खातून, हम इसे बीमारों और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए बनाते हैं। उस्मान को भी इससे शिफा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये लीजिए। आप बहुत फिक्रमंद लगती हैं उस्मान के लिए, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझती हैं। क्यों नहीं हलीमा सुल्तान, उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद ही वफात पा गई थी। अर्थुरुल भाई ने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। अरे वो काम भी जो उस्मान सालों में अर्थुरुल सुल्तान ने दूसरी शादी नहीं की। किसी परियों की दास्तान की तरह थे हलीमा सुल्तान और अर्थुरुल भाई, यहाँ तक कि अब भी वो दास्तान सुनाई जाती है। भाई आज भी किसी और खातून की तरफ देख भी नहीं सकते। अर्थुरुल सरदार अपनी रियासत और अपने मकसद में मसरूफ रहते हैं, इसके बाद उन्हें जितना भी वक्त मिलता है उसे सिर्फ अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, दूसरी शादी का कभी नहीं सोचा। माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत की है उन्होंने अपने बच्चों की। शोरबा तैयार हो गया है, मैं इसे उस्मान के लिए ले जाती हूँ। ये तो बहुत लजीज शोरबा है। सुकून से पियो उस्मान, काली भेड़ की हड्डियों से बनाया है मैंने, बहुत ताकतवर है। मेरी मरहूमा वालिदा मेरे लिए बनाया करती थी। मेरी वालिदा मेरी पैदाइश के बाद फौत हो गई और मैंने उन्हें देखा भी नहीं। पहाड़ की तरह मजबूत बाबा हैं तुम्हारे, भाई हैं, दादी हैं, सब इतना प्यार करते हैं तुमसे, और तुम्हारे बाबा तो बहुत प्यार करते हैं। आ सकता हूं बाबा? उस्मान, इनका शुक्रिया। ज़हमत किया आपने अलबिल के हाथों। उस्मान का बहुत ख्याल रख रही हैं आप। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे इस बात की खुशी है कि
एक बहादुर बच्चे की जान बचाई मैंने। बाबा इनकी मरहूमा वालिदा ही शोरबा बनाया करती थी इनके लिए और इन्होंने मेरे लिए बनाया। मेरा आपसे ये वादा है जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके लिए शिकार करूंगा इलबिल की खातून। वो ड्रैगोस बहुत शाना है। उसकी एक्टिंग देख रहे हो लाइक किसी तरह क्या हम का पूरा फिर बाद में स्ट्रेट एकदम रहना एंड यू नो बट गुंडूस उसने क्यों कर दिया यार इतना सब कुछ अच्छे से मतलब हमने खुद ने उसको देखा है कि जिस तरह वो बचपन में रहा लेकिन अभी बोल रहे उसको पता नहीं था अभी सच है कि पता नहीं डर तो गया था कि भाई ऐसा हो गया है अभी वो ही देखा और गुस्से में गया अब कहाँ गया वो भी देखना है। बट बहुत अच्छा लगा बट ये इलबिल के खातून दूसरी का नहीं नाम भूल गया उनका और जो दूध पिलाती थी ख्याल रखती थी उस्मान का एक्चुअली मैं खुद नाम भूल गई उनका कोई नहीं मे भी आएगी तो देखेंगे। बट ये अच्छा लगा मुझे कलम उठाना है चलो अब आगे देखते हैं गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।